कोयटा में पश्तून कल्चरल डे मनाया गया जिसमें नौजवानों ने रिवायती मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। अक्सा अमीर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में सदियों से आबाद पश्तून कौम अपनी सकाफत की वजह से दुनिया भर में एक पहचान रखती है। पश्तून सकाफत से नई नस्ल को रोशनास करने के लिए पश्तून कल्चर डे मनाया गया। इसी मुनासिबत से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तकरीब मुनक्किद हुई जिसके मेहमान खसूसी गवर्नर बलूचिस्तान सैयद जऊर आगा थे। दुनिया के सामने इस कल्चर की एक पॉजिटिविटी, एक सिंबल उन्होंने दी है कि ये सिंबल अमन की, अच्छाई की, ग्रेटनेस की और अच्छे मुसलमान होने की एक निशानी है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में सजे इस मेले में तुलबा समेत दीगर शुरका ने पश्तूनों के सकाफती मलबूसात पहन रखे थे। हम यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के कल्चर्स को अडॉप्ट करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए कि ये पंजाबी है, ये पख्तून है। हमें सबके कल्चर्स को मनाना चाहिए अच्छे तरीके से। हम हर साल ये दिन बहुत खुशी से मनाते हैं, हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं होता। नौजवानों ने पश्तून धुनों पर रवायती रक्स अतन भी किया जिससे शुरका खूब महजूज हुए। जिंदा कौमें अपनी सकाफत को कभी भूलती नहीं है, सदियों पर मोईद पश्तून कल्चर अपनी मिसाल ही आप है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ अक्सामीर, दुनिया न्यूज़, क्वेटा।